नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनील कुमार सांडिल टोटल कुकिंग में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी रेसिपी लेके आए हैं, जिसका नाम है काला चना करी रेसिपी। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी हुई है आपकी। इसके लिए हमें टमाटर, प्याज, खड़े मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया चाहिए होगा। सबसे पहले हमने चने जो है लगभग 8 घंटे के लिए भीगने डाले हुए थे, और इनका पानी हमने अलग से निकाल के रख लिया हुआ है। सबसे पहले हमने चनों को जो है प्रेशर कुकर में उबलने डालना है, और यहाँ पर हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक और आधा टेबल स्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर डालकर जो है हमने चने उबाल लेने हैं। प्रेशर कुकर में चने डालने के बाद 1 सीटी लगवा लें, फिर लगभग इसमें 8 सीटी लगवानी है। हल्की आंच पे जो है हमने चने उबाल लेने हैं, ताकि हमारे चने अच्छे से उबल सकें। अब हमारे चने उबल कर तैयार हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से उबले हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अगर इनमें थोड़ी हार्डनेस रहती है तो आप इन्हें 1-2 सीटी और लगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काला चना करी रेसिपी बनाने की विधि। इसके लिए हमने 3 टेबल स्पून अच्छे से गरम कर लेने हैं, और इसमें जो हमारे खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, साबुत लाल मिर्च डालकर जो है अच्छे से भून लेना है। लगभग 30-40 सेकंड तक जो है हमने मसालों को जो है भून लेना है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक जो है प्याज को पका लेंगे। प्याज को अच्छे से पका लेना है, और इसे लगभग 3-4 मिनट तक जो है अच्छे से पकाना है। जैसे हमारा मसाला सुनहरा भूरे रंग का हो जाए, अब इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन या यहाँ पर आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डालकर इसको फिर से 30-40 सेकंड के लिए पकाना है। अब इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डालकर मसाले में अच्छे से मिक्स कर लें, और लगातार कड़छी से चलाते रहें। जैसे हमारा मसाला पक जाए, अब इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर डालकर जो है 3-4 मिनट तक जो है पका लेने हैं। 1 टेबल स्पून नमक डाल लें, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब यहाँ पर आप इसे लगातार चलाते रहें, जब तक हमारा प्याज टमाटर से तेल ना छूटे। इसको हमने पकाना है। आप यहाँ पर 2-3 टेबल स्पून जो है पानी के डालकर टमाटरों को अच्छे से पका लें। बहुत ही शानदार हमारी जो है मसाला तैयार हो रहा है। जो उबले हुए चने हैं वहाँ से आधी कटोरी निकाल कर जो है उनको क्रश कर लें, या तो उनका पेस्ट बना लें। अब हमारे मसाले से लगभग तेल छूट चुका है। देखिए बहुत ही शानदार हमारा मसाला तैयार है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून चना मसाला पाउडर डालकर मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है, और कड़छी से इसको चलाते रहें। अब हमारा मसाला लगभग तैयार है। अब इसमें उबले हुए चने डालकर जो है 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, ताकि हमारे चने और मसाला अच्छे से मिक्स हो सके और एक अच्छी ग्रेवी तैयार हो। जो हमने आधी कटोरी चने क्रश किए थे, अब वो भी इसमें डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। लगभग इन्हें 3-4 मिनट तक जो है मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है। अब जो हमारे उबले हुए चने और जो पानी बचा हुआ है उसको भी इसमें मिक्स करना है, और इसे लगभग 4 या 5 मिनट तक जो है उबलने देना है। हमारे चने में उबाल आना शुरू हो चुका है, कड़छी से इसे लगातार हिलाते रहें।
यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी और एक टेबलस्पून अमचूर पाउडर डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ढक्कन लगाकर जो है 2-3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि हमारी अच्छी गाढ़ी ग्रेवी तैयार हो। अब हम ढक्कन हटा लेंगे। हमारे चने में उबाल आना शुरू हो चुका है और चने उबलना शुरू हो चुके हैं। कड़छी से इसे हिलाते रहें। दो मिनट के लिए हमने फिर से इसको ढक लिया है। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट रेसिपी है। अक्सर हम इसे खाना पसंद करते हैं। देखिए बहुत ही शानदार रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें। ऐसी ही मज़ेदार शानदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।